मुझे मेरा भाई मिल गया है, बोलो क्या पसंद है? ये मैं हूँ, ये मेरे भैया है और यहाँ हमारी शादी हो रही है। मुझे पता है आज के इस वीडियो में साउंड इशू बहुत होने वाला है क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज बज रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया जगह जगह क्योंकि कॉपीराइट मैच आ जाता है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और वेलकम बैक फिर से मेरे एक नए वीडियो पे। एंड आज का ब्लॉग शायद मेरे अभी तक के ब्लॉग से सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मेरे कजन सिस्टर का शादी है और मैं वो शादी को कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग देखते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम लोग जा रहे हैं भवन के तरफ, मैं और मेरी सिस्टर है, तो चलिए अपन लोग मिलते हैं डायरेक्ट भवन के। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ भवन पे और अभी तक गेस्ट तो आए नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देरी है शादी पे। और चलिए मैं आप लोगों को स्टेज का सेटअप दिखा देता हूँ। मुझे ये भाई मिला है और जो कि बहुत बदमाश है, अभी भी इतने इसने बहुत बदमाशी की है। तुम्हारा नाम क्या है बोलो? क्या लाना है? विजय भाई कैसे हो? अभी बजाओगे ना? बढ़िया से बजाना, ठीक है? हाँ, मुझे मेरा ब्रो मिल गया है और इसका नाम विवेक है। एंड आज तुम्हारा बहन का शादी है, तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कुछ शेयर करना चाहते हो? क्या? और तुम थक गए हो ना? बहुत काम कर रहा है कल से, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और बहुत हम्बल है ये, बहुत अच्छा लगता है मेरे। और इधर दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचाने का सिलसिला जारी है। एंड क्या बताऊँ दोस्तों, आज का ब्लॉग एडिट करने में इतना मुश्किल हो रहा है ना। पहले क्लिप ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं साउंड दे रहा हूँ। रात के 3 बज रहे फिर भी अभी तक एडिट कर रहा हूँ दोस्तों। और ये मेरी सिस्टर है, शायद आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग में भी देखा होगा। और सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं और एकदम मज़ा आ रहा है दोस्तों। सो गाइस, बड़े दिनों बाद में फैमिली इवेंट ऐसे अटेंड करके एकदम मज़ा आ रहा है। और मेरा भाई कुछ बोलना चाहता है। सो गाइज, हम है ना असली का सर, हम असली का मतलब 3 बजे तक है ना अभी तक जगह पे है और मैं भी अभी भी जगह वो मतलब ब्लॉग बनाना बहुत हार्ड होता है। ये बात तो एकदम सही है। फिर मेरा भाई मिल गया है, बोलो क्या पसंद है? ये मैं हूँ, ये मेरे भैया है और यहाँ हमारी शादी हो रही है। आप लोगों को बहुत फनी लग रहा होगा, सिर्फ म्यूजिक बज रहा है और अंकल डांस कर रहे हैं, लेकिन अंकल एकदम बहुत मस्त गाने में डांस कर रहे हैं। वो गाना अगर मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना दूं तो कॉपीराइट मैच आ जाए दोस्तों। सो गाइस, एकदम ही मज़ेदार माहौल है आज का। चलिए पेट पूजा कर लेते हैं थोड़ा। सो गाइस, मेरे पसंद का तो कुछ है नहीं, मैक्रोनी पास्ता ही ले लेता हूँ थोड़ा सा। और इसको देख लीजिए। और इधर मेरे चाचू एकदम स्पीड पे डांस करते हुए, देखिए क्या मस्त डांस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं म्यूजिक में वो भी। और एकदम मज़ेदार है आज का माहौल। और मैं और मेरे ब्रदर भी गाने सुन रहे हैं और मैं और मेरा ब्रदर हेड बैंग कर रहे हैं ऐसे। यस। सो दोस्तों, फिर से एक बार मेरी बहन और बुआ जी और दीदी और इधर दुल्हन और फिर से बहन। और अभी हम लोग लेके जा रहे हैं दुल्हन को गेट तक जहाँ की दूल्हा आया हुआ है। और अभी दूल्हा दुल्हन का मिलन होगा, उसके बाद में दोनों आके बैठेंगे सोफे पे, उसके बाद होगा फेरा। और देखते जाइए दोस्तों। एनीवे, शी इज लुकिंग गुड इन दिस ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही है। और आज उसका लास्ट डे है घर पे, कल सुबह तो वो विदा भी हो जाएगी और मैं विदाई का भी वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोग को। चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल है, लेकिन कल सुबह दुख भी होगा, लेकिन हम लोगों ने सोचा छोड़ो स्प्राइट पे कंसंट्रेट करते हैं। ये कुछ बोलना चाहती है लेकिन इसको पता भी नहीं, इसका आवाज़ हम लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है और मैंने म्यूट कर रखा था इस टाइम में। और फिर एक बार इधर सब लोग पेट पूजा करते हुए, और एकदम अच्छा भी था आज का दिन। एंड अब होंगे फेरे, उसके बाद में आज एकदम लेट तक होने वाला है।
थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को एकदम लास्ट तक देखने के लिए। मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत रात भी हो चुकी है और एडिट करते करते मैं थक भी गया। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।